नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम करण धीर राजपूत है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। पिछले 5 साल से मैं मुंबई में था और मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया है। मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया है। इसके अलावा 2018 में मैंने फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। आज मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि रिसेंट जो मुंबई में हो रहा है मनोज पाटिल के साथ, और उसने जो स्टेप उठाया है, और सेम चीज़ आज से 1 साल पहले मेरे साथ हुई थी उसी बंदे की वजह से। तो मुझे ये सब चीज़ें क्लियर करनी थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। 2018 में मैंने फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन की और 2019 तक मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड मिल चुके थे, और 2019 तक मुझे एक बिग मसल ब्रांड मिला था जो कि साहिल खान के पास था। सबसे पहले साहिल खान को अनफॉर्चुनेटली उस ब्रांड से निकाल दिया गया था कुछ उसकी गंदी हरकतों की वजह से, उसके बाद मुझे लिया गया था। और 2019 में मैं ओशीवाड़ा गोल्ड जिम में वर्कआउट करता था। उस टाइम पे साहिल खान भी सेम उसी जिम में वर्कआउट करता था। तो एक दिन उसने मुझे रोका और उसने मुझे बोला कि करण, यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, यू हैव अ गुड फेस, तुम इस ब्रांड को प्रमोट मत करो, बी योर ऑन ब्रांड। तो मैंने उसको बोला कि सर, मैंने साइन किया है और मुझे अभी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और बिग मसल ब्रांड उस टाइम पे बहुत अच्छा था, तो मैं ये छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ। तो इसने मुझे कुछ नहीं बोला इसको, बट मुझे नहीं मालूम था कि इसकी ईगो इतनी हर्ट हो जाएगी कोई इसको मना करता है। तो उसके बाद इस बंदे ने 7 जून को मेरे बर्थडे के दिन मेरा अकाउंट हैक कर लिया, और हैक करने के बाद उस अकाउंट को उड़ा दिया 2019 के 7 जून को। उसके बाद मैं 25-30 दिन बहुत परेशान था क्योंकि मेरा पूरा काम सोशल मीडिया पे था। आपको भी मालूम है अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सब कुछ वहीं पे होता है, और उस टाइम पे मेरे 1 से 1.5 लाख फॉलोअर थे। तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, 1 साल में मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड ले लिए थे। तो उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। बहुत सब ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे ब्रांड्स ने मुझे तब सपोर्ट किया और मुझे बोला कि चूँकि तुम्हारे फॉलोअर्स आ जाएंगे, तुम नया अकाउंट बनाओ और काम शुरू करो। तो मैं 1 महीना कुछ भी कैसे भी करके परेशान हो गया था, और फिर मैं उठा, मैंने फिर से अकाउंट बनाया, और मेरा अकाउंट आफ्टर कुछ 8-7 हज़ार फॉलोअर्स ही हुए थे, कुछ 1-1.5 महीने के अंदर ही फिर से हैक कर लिया गया। और इस बार हैक करने के बाद उसको यूज़ भी किया जाने लगा, लड़कियों को गंदे सेक्सुअली मैसेज किए जाने लगे। तो ये सब चीज़ें जब देखी मैंने, तो मैं एकदम डर गया कि अभी तो ठीक है, हैक तक ठीक था, बट अभी डिफेम भी करना चालू कर दिया मुझे। तो फेसबुक भी हैक, इंस्टाग्राम भी हैक, और जीमेल अकाउंट भी हैक, इनफैक्ट मेरा बैंक अकाउंट भी हैक करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद मैं ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी मैंने, और कंप्लेंट देने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, और जो हैकर्स थे वो इतने, उनको इतना इसने मतलब पावर दे रखा था कि तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग मुझे बिंदास वीडियो कॉल करते थे, कॉल करते थे व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल करते थे कि तू जितना चाहे जो करना चाहे कर ले, तेरे को तेरा काम नहीं करने देंगे हम। तो ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में मैंने सब बताया, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उस नंबरों पे, और कर्नाटका गए। वो तीनों जो हैकर्स थे वो कर्नाटका से थे, विनय बसावा एज 17 साल, शिवा पवार एज 17 साल, और प्रशांत बांकापुर एज 21 साल। ये 3 बच्चे थे जो इस सब चीज़ों के पीछे साहिल खान ने हायर किए थे। और ये सब चीज़ें जब हुई उसके बाद इन लोगों को मुंबई लेके आया पुलिस वाले, और ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में लाया गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में मालूम उन लोगों ने, बच्चे ने बोला कि हमें ये सब चीज़ें करने के लिए साहिल खान ने हायर किया था, उनको मुंबई भी बुलाया था, एयर टिकट देके किस होटल में रखा था वो भी होटल पे पुलिस को लेके गए, और उनको कितना कितना पैसा दिया था और किसके अकाउंट से दिया था वो भी उन्होंने बताया, और पुलिस ने पूरा पैसे का भी डिटेल निकाला कि किसके अकाउंट से पैसा गया। वो साहिल खान की बहन शाइस्ता खान के अकाउंट से पूरा पैसा ट्रांसफ़र हुआ, छोटा छोटा अमाउंट करके 10-20 हज़ार करके, 1 से 1.5 लाख रुपया, और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दिया गया इस सब चीज़ों के पीछे। तो ऐसा ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद क्या हुआ,
इसने, मैं आपको बताता हूँ, एक एक नहीं, मेरे पास इतने एविडेंस हैं, बट मैं एक सुनाना चाहूंगा आपको इधर, कि इसने हैकर्स को कहां तक बता के बोल के रखा हुआ था कि प्रशांत जो है वो हैकर का नाम है। रुको, उड़ा दोगे तो मजा चला जाएगा। एम भाई बोलते हैं, जमीन का रुको। सॉरी, ये प्रशांत मेरे भाई, अपना ख्याल रखो, तुम कोई भी बात का टेंशन मत लो, तुम्हारे सर का कोई एक बार भी बाका नहीं कर सकता, साहिल खान तुम्हारे साथ है। पॉलिटिशियन पावर जो भी चाहिए तुमको सपोर्ट मिलेगा किसी से, लेकिन बिला वजह हमको दुनिया में प्यार बढ़ाना है, लोगों से पॉजिटिव रहना है, लेकिन अगर कोई हमको जबरदस्ती का तकलीफ देगा या मेरे टीम को कोई तकलीफ देगा तो साहिल खान और साहिल खान का फुल पावर उस इंसान को बहुत बहुत परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, वन लाइफ। ये ऐसे छोटे छोटे वॉइसेस मेरे पास बहुत है जो मैंने सब पुलिस को दिए, बट कुछ हुआ नहीं। आई डोंट नो क्यों, नॉन बिलेबल सेक्शन थे, बेल के डिसीजन से पहले नॉन बिलेबल सेक्शन जो हटा दिए गए वो बिलेबल कर दिए गए, जिससे इजीली इसको बेल भी मिल गया। और उसके बाद सही जो मुझ पे परेशान मुझे किया गया, वो केस होने के बाद मैं बाइकुला में था अपने फ्रेंड के पास, मुझे कॉल आया कि तेरे को जान से मार देंगे अगर तू केस वापस नहीं लेगा, चुपचाप हाथ मिला ले और केस वापस ले ले। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने वो भी कंप्लेंट बाइकुला में भी दिया और पोशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक कॉपी दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से मेरे घर पे, इस बार तो हद हो गई थी, मैं डीएन नगर में रहता था और मेरे घर पे इल्लीगल वेपन की रेड होती है 15-20 पुलिस वालों के साथ डीएन नगर पुलिस स्टेशन से। अर्ली मॉर्निंग में सो रहा होता हूँ, मेरा डोर नॉक होता है और मैं खोलता हूँ तो बाहर 20-25 ऐसा 15-20 पुलिस वाले खड़े हैं और उसके बीच में साहिल खान का लॉयर भी खड़ा है जो वीडियो बनाने के लिए, ऐसे कि मुझे लेके गए ऐसा करके। तो मैं डर गया एकदम से कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो मेरे ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में मेरे पास नंबर था सर का, उनके साथ मेरा अच्छा प्यार हो गया, बन गया था। तो मैंने उनको कॉल किया कि भैया मुझे परेशान किया जा रहा है फिर से अभी, कि ये मेरे घर पे ऐसा रेड करवा रहे। तो उन्होंने उनसे बात किया और बोला कि ये लड़का ऑलरेडी बहुत परेशान है, इसको और परेशान मत कीजिए, आप जो भी आपका फॉर्मेलिटी है करके आप चले जाइए। तो मैंने दो लोगों को अंदर आने दिया उनका अच्छे से चेकिंग करके, और वो लोग वापस गए और मुझे बोल के गए कि आप शाम को सीनियर सर से मिल लेना एक बार। और मैं शाम को गया भी और आगे से सीनियर सर ने मुझसे मिलने से मना कर दिया, कि बोले कि जा छोड़ो इसको जाने दो। तो इतना डिप्रेशन आने के बाद, मतलब उल्टा मेरा काम गया, मेरा सब खत्म किया। उसके बाद केस स्ट्रांग था, उसको वापस लेने के लिए मुझ पर इतना प्रेशर डाला गया, ये सब चीज़ें की गई, तो मैं टूट चुका था बहुत। अकेला था मुंबई में, मेरी फैमिली पंजाब में थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था, मैंने बोला नहीं था कुछ, एक साल से मैं फाइट कर रहा था इन सब चीज़ों से, काम नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था। तो उसके बाद करनी सेना मुंबई, जीवन दादा मेरी सपोर्ट में आए, उन्हें कहीं से न्यूज़ मिली मेरे बारे में कि करमधीर राजपूत करके कोई लड़का है जिसको साहिल खान द्वारा परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे, बहुत होता है एक अकेले इंसान को हौसला देना कि हम तेरे साथ हैं, तुम टेंशन मत लो। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा रिलीफ मिला कि ठीक है, अभी मेरे साथ कोई तो खड़ा है। तो उसके बाद सब ठीक होने लगा और मेरा अच्छा दुबई में थोड़ा, मेरी फैमिली थी तो मैं वहाँ पे उनके पास सेटल हो गया, अभी मैं दुबई में हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा केस इतना स्ट्रांग था ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में, नॉन बिलेबल सेक्शन को बिलेबल कर दिया गया, केस में सबके नाम हैं, साहिल खान, शाइस्ता खान, पीयूष गाड़गे, अली पटेल, विवेक शर्मा इसका लॉयर, और सबके नाम, अभी शाइस्ता खान और विवेक शर्मा का नाम हटा दिया गया, आई डोंट नो कैसे, जबकि मैंने टेक्निकल एविडेंस दिए हैं पुलिस को, टेक्निकल एविडेंस, वो फॉर्म सबमिट किए हैं जिसमें ये लोग पूरा रैकेट चलाते थे, किसको कैसे टारगेट करना है, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स विवेक शर्मा के, शाइस्ता खान का, टीम साहिल खान ग्रुप का वो एडमिन थी, वो पूरा वो ये सब चीज़ें चलाती थी। और आई डोंट नो, पूरे केस को घुमा दिया गया एकदम, अभी कुछ भी बचा नहीं है। तो
ये सब चीजें देख के मन नहीं करता है कि मुंबई में, मुझे नहीं लगता है कोई सेफ है आज की डेट में। जो क्राइम करता है अगर उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो क्राइम भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सब चीजों से परेशान होके मेरा मन नहीं माना कि मैं वहां पे रहूं। तो आज मनोज पाटिल की हालत देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यहां तक नहीं जाना चाहिए था। बट मैं सोचता हूं कभी कभी कि जिस टाइम पे मुझे परेशान किया गया था, मुझे भी ऐसा धमकी आती थी कि जैसा तू फिटनेस इंडस्ट्री का दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनेगा, मेरे पास सब एविडेंस हैं, सेम ऐसे मुझे बोला जाता था उस टाइम पे। ये लोग चाहते थे कि मैं कुछ करूं, बट मनोज सरवाइव नहीं कर पाया ये सब चीज़ें, उसने स्टेप लिया। बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मनोज तुम स्ट्रांग हो यार, तुम फाइटर हो, तुम लड़ो ऐसे इन सब चीज़ों से, ऐसे फेक आइकन से डरना नहीं है कभी भी लाइफ में, तुमको स्ट्रांग रहना है और हम तुम्हारे साथ है, करनी सेना तुम्हारे साथ है, जीवन दादा तुम्हारे साथ है, तो बी स्ट्रांग। ओके, थैंक यू सो मच।